ठीक है गाइस, कैसे हो आप सब लोग। मेरा नाम है भूषण और आप मैं देख रहे हो यूट्यूब भूषण रेड पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि कीबोर्ड को पानी से धोने के बाद क्या हो सकता है, आपका कीबोर्ड चलेगा या नहीं चलेगा। वो तो यार मुझे खैर खुद को पता नहीं है क्या होने वाला है, लेकिन एक बात जरूर है कि ये आप घर पे बिल्कुल भी ट्राई मत करना। मुझे नहीं पता कि क्या होने वाला है, इसलिए आप घर पे बिल्कुल भी इसे ट्राई मत करना घर पे। ठीक है ठीक है, तो चलिए बढ़ते वीडियो में। वीडियो में बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि मेरा कीबोर्ड कैसे दिखने वाला है, क्योंकि अगर पानी में भीग गया और इसे कुछ हो जाता है तो मेरा तो कीबोर्ड ही जाएगा पूरा, इतना महंगा वाला। तो इसलिए पहले एक कुछ अच्छे से शॉट लेके रखते हैं। तो मैं लाइट बंद कर देता हूँ ताकि हमें एग्जैक्टली पता चले कि अंधेरे में किस तरह से दिखता है। तो ये देखिए, ये मेरा है कीबोर्ड, कुछ इस तरह से काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगता है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया दिखाई देता है, एंड इसके जो लाइट्स होते हैं वो भी चेंज होते रहते हैं गाइस। तो ये देखिए, ऊपर से कुछ इस तरह से दिखता है, देखने में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। अब मैं इसके जो लाइट्स है वो चेंज करके दिखाता हूँ आपको, देखिए कुछ इस तरह से। एंड एक बार और चेंज करते हैं तो कुछ इस तरह से यहाँ पे जो है वो चेंज होते रहते हैं ये लाइट्स, एंड कुछ इस तरह से जो लाइट्स मस्त चेंज होते हैं। एंड इसका ब्राइटनेस जो है हम कम ज़्यादा भी आपसे जो है कर सकते हैं। तो ये फंक्शन वाला बटन, एंड ये देखिए ये लाइट यहाँ पे जो बड़ा बड़ा और बड़ा, कम हुआ कम हुआ कम हुआ, कुछ इस तरह से। एंड ये तीन कलर्स इसमें है। तो ये है मेरा कीबोर्ड, एंड अभी इसे हम जाते हैं पानी से धोने के लिए। ठीक है चलिए जाते हैं। तो हे गाइस, कैसे हो आप सब लोग। एंड मैं वापस एक बार सभी को बताना चाहता हूँ कि आप ये बिल्कुल भी घर पे मत ट्राई करना, क्योंकि मैं कर रहा हूँ तो आप ये बिल्कुल भी ना करना। ये मेरा कीबोर्ड है, ये इसकी वायर है, एंड अभी इस पर डालने वाले हैं हम पानी। ठीक है, तो ये पानी इसके अंदर है। ठीक है, तो इसे पहले मैं रख लेता हूँ, यहाँ पे पानी भरा पड़ा है, एंड ये पानी है। ठीक है, तो अब इस पर डालेंगे पानी। ये घर पे मत करना, मेरे को नहीं पता मेरा, ये घर पे बिल्कुल भी मत करना, मेरे को नहीं पता ये चलने वाला भी है या नहीं चलेगा बाद में। तो आपके लिए मैंने इसको लेके ये थोड़ा बहुत ऐसा एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट आप मत करना। यहाँ पे जो है मेरा कीबोर्ड पूरा तरीके से गीला हो चुका है। मैं अभी इसे रख देता हूँ नीचे ताकि आप सब लोग देख पाओ। तो गाइस, जैसा भी आप देख सकते हो, यहाँ पे मेरा कीबोर्ड पूरी तरीके से गीला मैंने कर दिया है, पानी से धो डाला है हमने कीबोर्ड को। अब एग्जैक्टली देखिए कि ये कीबोर्ड चलने भी वाला है या नहीं चलेगा, पता नहीं यार, लेकिन चलना चाहिए कीबोर्ड, सच बता रहा हूँ। बहुत महंगा था, अगर नहीं चला तो पैसे जाएंगे मेरे, पैसे जाएंगे भाई, पानी निकल जाना चाहिए। आई होप इसका पानी जल्द से जल्द पूरा निकल जाए। और यहाँ पे देखो पूरा गीला गीला हो गया, इतना बड़ा पानी डाल दिया इसके ऊपर। तो ये सब अभी मेरे को ज़रा साफ़ करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है ना। ये बाप रे बाप, तो मैं गेट भी खोल लेता हूँ, थोड़ा अंदर जाते हैं हम लोग, इसे रखते हैं ठीक से पहले, एंड कर लेता हूँ मैं अपना गेट बंद। ओह हो, ये साला चिपक गया इधर, निकल गया। अब छोटा सा ये देखो गाइस, यहाँ पे है हम जो काफ़ी ज़्यादा जूम हो चुके थे यहाँ पे अभी। एंड तो गाइस, जैसा भी आपने देखा, मैंने इसे पूरी तरीके से जो है धो डाला था, पानी से धो डाला, एंड नहीं पता अब क्या होने वाला है। मुझे कुछ तो एक्चुअली नया करना था, इसलिए मैंने ऐसा कुछ किया। जब तक ऑन होता है नहीं होता नहीं पता, थोड़ी देर के बाद इस ब्लॉग को हम वापस से रिस्टार्ट कर देंगे इस ब्लॉग को, एंड तब हम एग्जैक्टली बता सकते ये चला या नहीं चला। वो मैं थोड़ा अभी इसे अच्छी तरीके से जो है पूछ लेता हूँ, ठीक है ना।
गीला हो गया है, चलना चाहिए या सच में चलना चाहिए, अब खराब नहीं होना चाहिए, खराब नहीं होना चाहिए, चलना चाहिए, देखते हैं। तो गाइज अब वापस आ चुके हैं हम, एंड अब बज चुके हैं ऑलमोस्ट रात के 11:15, 11:16 अभी हो चुके हैं यहाँ पे। एंड ये कीबोर्ड जो अभी आई थिंक अभी अच्छा होगा, तो देखते लगा के चलता है कि नहीं चलता है। तो ये यूएसबी अभी हम लगाएंगे सीधा यहाँ पे, खुल जा सिम सिम, खुल जा, ये खुल गया। एंड ये मेरे यहाँ पे कीबोर्ड है, एंड वाव लग गया है, देखो लग चुका है। अब लग तो गया है, लेकिन इसे टाइप हो रहा है या नहीं हो रहा है वो अभी तक कंफर्म नहीं हुआ, तो टाइप भी करके हम एक बार चेक कर लेते, ठीक है? तो मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत इसको टाइप करके देखता हूँ। तो ये लेके आया मैं यहाँ पर, एंड कुछ टाइप करके देखते हैं। अरे वाह, देखो यहाँ पे जो है टाइपिंग हो रही है गाइस पूरी तरीके से। ये देखो यहाँ से हम ऐसे कुछ भी कुछ भी कुछ भी टाइप कर रहे हैं, एंड यहाँ पे ये टाइपिंग हो रही है। एंड अभी इसके लाइट्स चेक कर लेते हैं, लाइट्स ठीक से है या नहीं है, ठीक है? इसको यहाँ पे इस तरह से मैं रख देता हूँ, एंड अब मैं करता हूँ इसका लाइट चेंज। वाव, ये चेंज भी हो रहे हैं, देखो चेंज हो रहे हैं। एंड अभी इसका ब्राइटनेस हम एडजस्ट करके देखते हैं, तो जो ब्राइटनेस है वो भी कम हो रहा है एंड बढ़ रहा है। चलो तो ठीक है, तो मतलब कुछ नहीं हुआ, सब ठीक ठाक है, कीबोर्ड मेरा एकदम नाइट हॉन्ग। तो गाइस ये जो कीबोर्ड है ये एकदम से परफेक्ट है। अभी मैंने इसे पानी से अच्छी तरह धो डाला था, जैसे आपने देखा, बस इसके ऊपर पानी डाला, ज़्यादा नहीं ये किया मैंने, इसे बस पानी डाल दिया। एंड अगर आपने ये वीडियो को अभी देखा है तो ज़रूर से वीडियो को लाइक करना, चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर देना, आपके दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर देना, जो आपके कीबोर्ड को धोना चाहते हैं उन सभी दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। एंड जैसा मैंने पहले बताया कि मेरे को काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था कि इतना महंगा कीबोर्ड है और ख़राब ना हो जाए, ऐसा मुझे लग रहा था, इसलिए मैं आप सभी को पहले बोल रहा था कि आप मत करो। एंड मैं अभी भी बोलता हूँ कि अभी भी मत करो, क्योंकि अगर आपका कीबोर्ड ख़राब हो जाता है तो मैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं रहूँगा, इसलिए डू एट योर ओन रिस्क, कैसे मैं बोलूँगा, लेकिन मैं तो बोलूँगा करो ही मत। अगर मतलब मैंने दिमाग में ऐसा रखा था कि अभी चले तो चल गया, नहीं चले तो फिर गया, ये मैंने मतलब सोच लिया था, तो लेकिन चल गया तो अच्छा है मेरे लिए, ठीक है? तो अगर आपको ये व्लॉग पसंद आता है छोटा सा, तो ज़रूर से इस वीडियो को लाइक देना, एंड मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में, ठीक है गाइस? चला भेटू पुढच्या वीडियो मध्ये, बाय बाय। आणि जर तुम्हाला व्लॉग हवे असतील, यानी कि अगर आपको व्लॉग्स ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए होगे, तो आप नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हो, ठीक है? बाय बाय।